क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या करता है, अब मैं बताऊंगा तीन ऐसे बेनिफिट जो क्रिएटिन के मेन एक हाईलाइट भी मान सकते हैं आप, जिसकी वजह से क्रिएटिन मार्केट में बिका जाता है। तो सबसे जो भी कोई बिगनर लेना चाहता है तो उसके लिए काफी इफेक्टिव प्लस काफी चीपर सप्लीमेंट है, जो एक बेसिक सी नीड है हमारे जिमर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि लोगों के माइंड में मिथ है कि इससे किडनी खराब होती है, ये होता है वो होता है, तो देखिए हाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, तो उस वजह से आपके दिक्कत आती है और बच्चे मिथ बनाते हैं कि हाँ भाई क्रिएटिन कभी नहीं लेना चाहिए, क्रिएटिन से ये होता है, क्रिएटिन से वो होता है। अरे भाई मेरी बात सुन, अगर 800-900 में आपको बढ़िया से बढ़िया वाला क्रिएटिन मार्केट में आज की डेट में मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद वो आधे पे शिफ्ट हो सकता है कि उसको पता है क्या उसने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है अपना, हैवी वेट और उठाना है। वे जो प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं तो वो एक स्कूप, सवा स्कूप या डेढ़ स्कूप भी ले लेते हैं प्रोफेशनल लेवल्स पे जो जाते हैं, हेयर फॉल होता है। तो गाइस ये जो अफवाह र्यूमर्स मान सकते हो, अफवाह बिल्कुल। हे गाइस तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं गाइस आप सभी मेरे छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे और गाइस मैं भी अच्छा हूं। तो गाइस मैं आपका दोस्त आपका होस्ट नितिन आपका स्वागत करता है मेरे चैनल नितिन फिटनेस व्लॉग्स में। सो गाइस जो आज का वीडियो होने वाला है वो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा किससे रिलेटेड, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से, कि प्री वर्कआउट प्लस क्रिएटिन सप्लीमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या उसकी प्रॉपर डोसेज होती है और क्या उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और आजकल की यूथ में काफी कुछ मिथ है उन दोनों सप्लीमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आज मैं डाउट क्लियर कर दूंगा सारा। तो वीडियो पे बने रहिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन दोनों सप्लीमेंट से रिलेटेड। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइमली मिल जाएगी। तो चलिए गाइस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्रिएटिन के बारे में कि क्रिएटिन बेसिकली क्या होता है। तो देखिए क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या होता है, वो हमारा स्टोर करता है, वाटर लेवल स्टोर करता है हमारे मसल्स में, जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत काम आता है। प्लस क्रिएटिन सप्लीमेंट आपके बॉडी प्लस मसल्स के क्रिएटिन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सके, हैवी लिफ्ट कर सके। ठीक है, तो ये तो एक्चुअली काम था हमारे क्रिएटिन सप्लीमेंट का कि क्रिएटिन करता क्या है। तो होप आपको समझ आया होगा कि क्रिएटिन सप्लीमेंट क्या करता है। अब मैं बताऊंगा तीन ऐसे बेनिफिट जो क्रिएटिन के मेन एक हाईलाइट भी मान सकते हैं आप, जिसकी वजह से क्रिएटिन मार्केट में बिका जाता है। तो सबसे पहला तो होता है इनकी स्ट्रेंथ, तो आपको अपने स्ट्रेंथ प्लस स्टेमिना में काफी इंक्रीजमेंट, काफी हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है उसकी वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर आपका स्टोर होता है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी स्ट्रेंथ प्लस आपका साइज आपको बड़ा दिखाई देगा, आपका मसल रिकवरी बहुत जल्दी कर देता है क्रिएटिन सप्लीमेंट। प्लस तीसरा कि आपको वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने में काफी हद तक मदद करता है। तो ये तो तीन मैंने ऐसे बेनिफिट्स बताए आपको जो क्रिएटिन सप्लीमेंट में हमें मिलते हैं। प्लस एक और बात बताता हूँ कि देखिए क्रिएटिन सप्लीमेंट जो कि होता है काफी कोई एक्सपेंसिव नहीं है सप्लीमेंट, बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग के लिए या जो भी कोई बिगनर लेना चाहता है तो उसके लिए काफी इफेक्टिव प्लस काफी चीपर सप्लीमेंट है, जो एक बेसिक सी नीड है हमारे जिमर्स के लिए, चाहे बॉडी बिल्डर ले लो, चाहे बिगनर ले लो, चाहे एथलीट लो, कोई भी ले लो, क्रिएटिन हर चीज में हमारा बहुत हेल्प करता है हमारी रिकवरी, मसल रिकवरी, हमारी स्ट्रेंथ के लिए और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए। तो जो कोई भी मेरा दोस्त मेरा भाई प्री वर्कआउट को अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्रिएटिन की तरफ बिल्कुल जा सकता है। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डोसेज क्या है। ठीक है, डोसेज क्या है कि जैसे कि देखो कंपनी क्लेम करती है कि एक दिन में आपको एक स्कूप सर्विंग लेनी है, जो कि आपको 3-5 ग्राम की एक स्कूप की सर्विंग होती है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि आपको इसकी डोसेज कैसे रखनी है। तो देखिए जब भी आप क्रिएटिन लेते हैं तो स्टार्टिंग के 6-7 दिन आप उसको अपना हाई लेवल ऑफ क्रिएटिन मतलब एक्सेसिव अमाउंट ले सकते हैं उसको, क्यों करो बॉडी का क्रिएटिन लेवल वो बूस्ट हो सके, फिर आप नॉर्मली अपना उसको एक दिन की जो सर्विंग साइज है अपना 3-5 ग्राम वो ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 6-7 दिनों तक आपको उसको एक्सेसिव अमाउंट लेना है, ताकि आपकी बॉडी का जो कि क्रिएटिन लेवल है ना वो बूस्ट हो सके, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, आप पर डे के हिसाब से अपना ले सकते हैं। दूसरी चीज बताता हूँ क्रिएटिन आपको कब तक यूज करना है कब तक नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा 80-90 सर्विंग हमें क्रिएटिन में देखने को मिल जाती है, बट हमने वो 80-90 दिन नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है, देखिए क्रिएटिन सप्लीमेंट के लेने से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में वाटर स्टोर करेगा, लेकिन स्टोर भी जब करेगा जब हम वाटर लोड करेंगे अपनी बॉडी में, वाटर लोड नहीं होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो एक मेन चीज़ है क्रिएटिन लेने वालों के लिए कि अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखना है। डोसेज की बात बता दी है कि स्टार्टिंग के 4-5 दिन 6 दिन अपना एक्सेसिव अमाउंट उसको ले सकते हैं, ताकि आपका क्रिएटिन लेवल बूस्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद अपना नॉर्मली 3-5 ग्राम की जो भी सर्विंग होती है वो आपने लेनी है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना आपको, 30-35 दिन हद से हद मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 40 दिन तक अपना क्रिएटिन रेगुलर रखना है, उसके बाद आपको कैप उसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के माइंड में मिथ है कि इससे किडनी खराब होती है, ये होता है वो होता है, तो देखिए हर चीज़ का कोई प्रॉफिट कोई लॉस होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको एक्सेसिव अमाउंट लेना आपने कि हर एक चीज की साइकिल होती है कि हमने इसको इतने टाइम से इतने टाइम तक चलानी है, इतने टाइम से इतने टाइम तक चलानी है, तो ऐसा नहीं है क्रिएटिन में आपको 80-90 सर्विंग मिलती है तो आपको उसे रेगुलर 80-90 दिनों तक चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। 30-35 दिन हद से हद आपको 40 दिन क्रिएटिन रखना है, उसके बाद आपको उसको गैप देना पड़ेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं,
उसको रेगुलर रखते हो 2 महीना 3 महीना 4 महीना, देखते रिजल्ट आ रहा है, चलो भाई दोबारा लो। और कुछ बच्चे तो ऐसा करेंगे, मैंने देखा जिमों में कि वो देखते हैं एक स्कूप में कुछ नहीं हो रहा, कि चल भाई 2 डाल ले, चल भाई 3 डाल ले, छोटा सा स्कूप देख के, कि छोटा सा तो स्कूप है, क्या हो रहा है इसमें। तो यही बच्चे गलती करते हैं जिनकी वजह से वो अपने दिक्कत कर बैठते हैं, उनके किडनी में फर्क आता है। क्यों आता है? क्योंकि ना वो पानी लोड कर पाते हैं उतना, वो 3-4 स्कूप के हिसाब से, 2 स्कूप के हिसाब से बॉडी को अपनी हाइड्रेट रख नहीं पाते हैं, जिस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। तो उस वजह से आपके दिक्कत आती है, और बच्चे मिथ बनाते हैं कि हाँ भाई क्रिएटिन कभी नहीं लेना चाहिए, क्रिएटिन से ये होता है, क्रिएटिन से वो होता है। अरे भाई मेरी बात सुन, अगर ऐसा ही होता तो कंपनी पागल नहीं है जो ये बना के बेच रही है, तो कब की बैन हो जाती है अगर ऐसी चीज होती। तो ऐसे ही सारा मिथ अपने हम यूथ में से निकालना है हमें, कि इनसे कुछ होता है। तो आपको अपने साइकिल अनुसार चलना है, ठीक है? प्रिकॉशन में आप ये ले सकते हैं कि आपको अपने साइकिल के अनुसार चलना है, कि क्रिएटिन को कब से कब तक लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो देखिए क्रिएटिन आप जूस में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, प्लस प्रोटीन में ले सकते हैं उसको। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा आप उसको पानी में ले अपने वर्कआउट से पहले, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना में आपको काफी इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। जिस स्टेमिना तो आपको जब भी मिलेगा ना वर्कआउट करोगे तो उससे, इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा मॉर्निंग या इवनिंग जब भी आप वर्कआउट करते हो, अपने वर्कआउट से 15 से 20 मिनट पहले आप क्रिएटिन ले लेना है, 200 से 250 ml पानी में अपना, ठीक है? तो ये तो बात होगी हमारी क्रिएटिन की। आपको मार्केट में काफी ब्रांडेड इंडियन ब्रांड भी मिल जाएगा, इंपोर्टेड ब्रांड भी आपको क्रिएटिन देखने को मिल जाएगा, 700-800-900 में आपको बढ़िया से बढ़िया वाला क्रिएटिन मार्केट में आज की डेट में मिल जाता है, ठीक है? अनफ्लेवर्ड मिलेगा, टैबलेट फॉर्म में ही मिलेगा आपको, फ्लेवर भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ डॉक्टर चॉइस का, मैं नाम सुना होगा डॉक्टर चॉइस ब्रांड आपको सारे फ्लेवर्ड क्रिएटिन देगा, प्लस लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ देगा, तो फेक की तो कोई बात ही नहीं है उसमें, जेन्युइन है 101%, ठीक है? अब बात करते हैं गाइस हम अपने प्री वर्कआउट की। तो जैसा आपने मेरी पहले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था, मैं पर्सनली साइकोटिक प्री वर्कआउट यूज करता हूँ जो कि इनसेन लैब्स का है, ठीक है? कि अब लोग सोचेंगे कि ये क्रिएटिन और प्री वर्कआउट में क्या अंतर है, काम तो दोनों का सेम है। तो नहीं, दोनों का काम सेम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिएटिन क्या करता है, हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में वाटर को स्टोर करता है। प्री वर्कआउट क्या करेगा, आपको मेंटली फोकस करता है आपके वर्कआउट पर, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। प्लस आपको प्री वर्कआउट कभी भी अनफ्लेवर्ड नहीं देखने को मिलता है, हमेशा आपको फ्लेवर, आपको 3-4-5 बढ़िया से बढ़िया फ्लेवर आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी तरह के, काफ़ी ब्रांड के इंडियन भी आपको देखने को मिलता है प्री वर्कआउट, और प्लस ब्रांडेड भी, इंपोर्टेड भी आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में प्री वर्कआउट, ठीक है? क्योंकि प्री वर्कआउट में सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको इंग्रीडियंट्स क्या देखने को मिलते हैं, बीटा एलानाइन, मैं इंग्रीडियंट्स बता दूँ जो कि मेन है, बीटा एलानाइन, बी विटामिन जिसमें B6 B12 विटामिन हमें प्री वर्कआउट में देखने को मिलते हैं, ठीक है? क्रिएटिन भी हमें प्री वर्कआउट में देखने को मिल जाता है, जिससे हमारी बॉडी, कभी भी देखा होगा हमने प्री वर्कआउट लेने के बाद, अगर अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर या मेरा कोई व्यूअर देख रहा है और वो क्रिएटिन प्री वर्कआउट यूज करता है, तो आपने देखा होगा कि आपने वर्कआउट करते टाइम बॉडी पंप रहती है हमेशा, वो क्रिएटिन की वजह से रहती है। तो हमें प्री वर्कआउट में क्रिएटिन भी देखने को मिलता है, बस काफी कम मात्रा में, और जो कि एक मेन हाईलाइट है प्री वर्कआउट की, कैफीन, जो कि हमें एनर्जेटिक रखता है। जाहिर सी बात है कैफीन हम लोड कर रहे हैं तो हमें एनर्जेटिक रखेगा, मेंटली फोकस करने देता है हमारे हमारे वर्कआउट पे, हैवी लिफ्ट पे, हमारे स्टेमिना पे, ठीक है? तो ये तो थे 3-4 आपको इंग्रेडिएंट्स जो कि प्री वर्कआउट में हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से प्री वर्कआउट मार्केट में महंगा आता है। अगर आप बढ़िया से बढ़िया प्री वर्कआउट लेने भी जाओगे मार्केट में, इंपोर्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन आपको 1100-1200 में मिल जाता है, तो 1500 से स्टार्टिंग होगी कम से कम, 1500-2000-2500 आप बढ़ते चले जाओगे अगर बढ़िया से बढ़िया प्री वर्कआउट लेने जाओगे। तो सारा ब्रांड का फर्क है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि आपने लेना कैसे है। देखिए कोई भी अगर बिगनर ले रहा है तो उससे सबसे पहले आधे से आधे स्कूप से स्टार्ट करना है, उसने अपनी कैपेसिटी देखनी है कि वो कितना झेल पा रहा है। अगर आधा झेल पा रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको रेगुलर चलाओ। अगर तो टेंथ है या फिर उसका वर्कआउट करने का कि उसको हैवी ओवर लिफ्ट करना है तो वो आधा स्कूप पे जा सकता है, जैसे कि पहले बताया मैंने आधे से आधा, बट उसके बाद वो आधे पे शिफ्ट हो सकता है कि उसको पता है क्या उसने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है अपना, हैवी वेट और उठाना है। वे जो प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं तो वो एक स्कूप, सवा स्कूप या डेढ़ स्कूप भी ले लेते हैं प्रोफेशनल लेवल्स पे जो जाते हैं। मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ कि क्रिएटिन और सप्लीमेंट में क्या फर्क होता है। क्रिएटिन का बताया मैंने, प्री वर्कआउट का भी मैंने बता दिया कि आप डोसेज कैसे लेनी है मैंने वो बताई आपको, और प्री वर्कआउट काम क्या करता है बेसिकली हमारी बॉडी में वो भी चीज मैंने बता दी आपको, कि बहुत एनर्जेटिक हमें रखता है वो। 8 घंटे तक हमारा प्री वर्कआउट का असर हमारी बॉडी में देखा जाता है, ठीक है? 8 घंटे तक असर उसका रहता है, ठीक है? और अगर कोई प्री वर्कआउट लेता, देखो मैं तो यही कहूंगा, अगर जब मैं भी प्री वर्कआउट लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ जो प्री वर्कआउट मैंने पिया है मैं उसको जिम में ही तोड़ दूँ, मतलब अपने वर्कआउट से उस प्री वर्कआउट को मैं यही तोड़ दूँ। इसकी बात करता हूँ मैं प्री वर्कआउट की, तो देखिए आपने कभी भी उसको एक्सेस अमाउंट नहीं लेना है,
जैसे मैंने क्रिएटिन में आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग में 5 से 6 दिनों तक उसका एक्सेस अमाउंट ले सकते हैं ताकि आपका क्रिएटिन लेवल बूस्ट हो, लेकिन प्री वर्कआउट में ऐसा नहीं है। अगर प्री वर्कआउट का हम एक्सेस अमाउंट लेंगे ना तो गाइस आपको बहुत सी दिक्कत हो सकती है। तो पहली तो बात करूँ मैं, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो सकती है, उससे रात को नींद नहीं आएगी आपको कभी अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया प्री वर्कआउट। प्लस अगर ज़्यादा अमाउंट में प्री वर्कआउट ले लोगे तो हार्ट बीट्स आपकी तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कैफीन है उसमें। एक प्री वर्कआउट के एक स्कूप की सर्विंग में आपको नादा करते कम से 200-250 ग्राम कैफीन मिलता है, और आप उसी को 200 ले रहे हैं, मतलब 500 ग्राम कैफीन एक दिन में बिगनर लोड करता, तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा उसको। ठीक है, तो आपको कभी भी एक्सेस अमाउंट उसका नहीं लेना है, आधे से भी आधा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आधे से भी आधा स्कूप लो प्री वर्कआउट का, और मैं तो वैसे ही साइकोटिक यूज करता हूँ, तो उसके तो बॉक्स पे ही ऊपर लिखा होता है बिगनर स्टार्ट विद हाफ स्कूप। तो काफी कंपनियां मेंशन कर देती है कि हमारा प्री वर्कआउट हाई हार्ड है या स्ट्रॉन्ग है, आप उसको हाफ से हाफ या जो भी है उन्होंने अपनी सर्विंग साइज लिख रखी है, तो हमेशा सर्विंग साइज के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है गाइस, अब उससे 15 से 20 मिनट पहले आपने वर्कआउट अपने वही पानी में अपना प्री वर्कआउट लेना है। प्री वर्कआउट के लेते के साथ हमने अपनी बॉडी को गर्म करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, अपने आपको सारा पूरा खोलना है मसल से, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो वर्कआउट के बीच में। ठीक है, तो ये तो काम था हमारे प्री वर्कआउट का। तो यही तो डिफरेंस थे हमारे प्री वर्कआउट और क्रिएटिन में। क्रिएटिन आपको 700-800 रुपये का मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन वही बात करते हैं हम प्री वर्कआउट की, तो आपका 1500-2000 चला जाता है। तो इसी चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा है उसमें कि इतना महंगा ये क्यों और इतना सस्ता क्यों, और मिथ ये है। तो देखिए, एक क्रिएटिन का मैं मिथ बताता हूँ, बच्चों के दिमाग में एक और मिथ बना पड़ा है क्रिएटिन का, कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। तो गाइस ये जो अफवाह र्यूमर्स मान सकते हो, अफवाह बिल्कुल बेकार है, कोई हेयर फॉल नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को तगड़ा दिखाने के लिए 2-3 स्कूप की सर्विंग ले लेते हैं। यार जाहिर सी बात है, कोई चीज़ को एक्स्ट्रा ले रहे हो तुम तो, मतलब एक होता है ना लिमिट से ऊपर जा रहे हो, तो वो तो दिक्कत देगी, लेकिन हेयरफॉल कभी नहीं होता क्रिएटिन से। तो ये चीज़ बेकार है कि आपको हेयरफॉल हो रहा है, ये हो रहा है, आपको नहीं लेना वो एक बात अलग है, लेकिन आप दुनिया के माइंड में ये मिस डाल रहे हो कि क्रिएटिन से ये होता है। तो भाई अगर हो रहा होता तो मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी बनाती क्यों फिर इसको, ठीक है, बेचती क्यों। यही थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, मिथ बताए, डोसेज बताए, प्रिकॉशन बताए कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट प्लस क्रिएटिन सप्लीमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो उसे जरूर एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो गाइस चलिए अपनी वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। टिल देन सी यू सून, बाय।